नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी मोहन लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहन टेक्निकल। नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ओनली टेक मोहन टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा फेसबुक के बारे में है। दोस्तों, फेसबुक ने अभी एक नया फीचर्स अपडेट किया है, इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप फेसबुक की फ़ोटो को जूम करके देख रहे हो तो आप बुरे फंस जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप फेसबुक की फ़ोटो को जूम कर देखना चाहते हो या आप देख रहे हो तो अब से देखना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि फेसबुक ने एक नया अपडेट जारी कर दिया है। आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि मैं मोबाइल यूज़ करने से रिलेटेड और मोबाइल की खुफिया सेटिंग के बारे में अपडेट देता हूं। आपको भी मोबाइल यूज़ करने से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में इस बेल आइकन को भी ध्यान से ऑन कर लीजिएगा, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे अपने दोस्तों को भी इस नए फीचर्स के बारे में पता चल सके। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फेसबुक पर अगर आप किसी की फ़ोटो को जूम करने के लिए डबल टैप करते हैं तब आपको सोचने की ज़रूरत है, वो भी सख्त, क्योंकि फेसबुक ने इंस्टाग्राम वाला ही फीचर अब फेसबुक ऐप के लिए शुरू कर दिया है। इसका ऐलान कंपनी ने पिछले महीने ही कर दिया था, लेकिन अब यूजर्स को ये फीचर मिलना शुरू हो गया है। दरअसल फेसबुक के iOS ऐप में अब किसी फोटो को डबल टैप करके लाइक करने का फीचर आ चुका है। इंस्टाग्राम में काफ़ी पहले से ये फीचर है। किसी फोटो को लाइक करने के लिए आपको डबल टैप करना होता है। इससे पहले तक फेसबुक में फ़ोटोज़ को जूम करने के लिए डबल टैप करना होता था। अगर आप भी किसी यूजर्स को फ़ोटो जूम करने के लिए डबल टैप कर रहे हैं तो अब आपका लाइक माना जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी फ़ोटो को लाइक नहीं करना चाहते हैं फिर और आप इसको जूम कर कर देखना चाहते हैं, अगर आप उस पर डबल टैप करते हैं तो वो फ़ोटो जूम होने के बजाय वो लाइक माना जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप सख्ती से अपना काम करिए। फ़ोटो को जूम करने के लिए आप डबल टैप नहीं करिएगा। आपको बता दूं कि हालांकि ये फीचर धीरे धीरे सभी यूजर्स को दिया जा रहा है, फिलहाल ये साफ नहीं है कि एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ये फीचर कब शुरू होगा। आपको पता ही होगा कि इंस्टाग्राम भी अब फेसबुक की ही कंपनी है और हाल ही में फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने इंस्टाग्राम और मैसेंजर और व्हाट्सएप को मर्ज करके क्रॉस प्लेटफॉर्म में मैसेजिंग सिस्टम करने के बारे में कहा है। दोस्तों, ये जो फीचर्स लागू हुआ है या iOS के लिए है, अभी तक एंड्रॉयड मोबाइल में ये फीचर्स उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन ये जल्द ही उपलब्ध होने वाला है, इसलिए आप अभी से सख्ती बरस लीजिएगा। आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम से पहली बार फेसबुक में कोई फीचर्स नहीं आया। इससे पहले भी इंस्टाग्राम के कई फीचर्स फेसबुक और व्हाट्सएप में दिए जा चुके हैं। इन फीचर्स स्टोरी सबसे खास ये है जो अब फेसबुक और मैसेंजर में दिए जाते हैं। आने वाले समय में इंस्टाग्राम के कुछ और फीचर्स फेसबुक पर दिए जा सकते हैं। इंस्टाग्राम के तर्ज पर अब फेसबुक और व्हाट्सएप की स्टोरी फीचर्स में भी विज्ञापन मिलने शुरू हो गए। फिलहाल व्हाट्सएप में ये विज्ञापन कुछ समय के बाद ही दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज का था ये कुछ न्यूज़ जो आपके सामने मैंने पेश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे अपने दोस्तों को भी इस फेसबुक के नए फीचर्स के बारे में पता चल सके। और इस तरह के अगर वो लाइक नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह की घटना से वो बच सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।